मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक नया कीर्तिमान और नया रिकॉर्ड हुआ है। बीजेपी के सबसे लंबे सीएम रहने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। 15 साल 10 दिन सीएम रहे हैं रमन सिंह, और अब यह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के 4 बार सीएम बनने का भी रिकॉर्ड उनके नाम रहा। तो एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का अपने आप में यह नया कीर्तिमान है, यह नया रिकॉर्ड, और बीजेपी के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अब शिवराज सिंह चौहान के नाम हो चुका है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का रिकॉर्ड इससे पहले तक था 15 साल 10 दिन सीएम रहे रमन सिंह, लेकिन अब 15 साल 10 दिन के इस रिकॉर्ड को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तोड़ दिया है। 15 साल 11 दिन का यह नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है शिवराज सिंह चौहान ने, और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का यह नया रिकॉर्ड है। दरअसल एक लंबे समय से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान आप सत्ता पर काबिज हैं, सरकार में हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर एक बड़े चेहरे के तौर पर मध्य प्रदेश में नजर आते हैं। लगातार कई ऐसे विकास के काम और कई ऐसे कदम जो कि प्रदेश के लिए जनहितकारी रहे हैं, और अब ये नया जो कीर्तिमान है वो उनके नाम पर स्थापित हो चुका है, और ये नए चेहरे के तौर पर उनका ये नया कीर्तिमान भी है। और लगातार हर चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की इस सरकार में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर यह अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। और इससे पहले तक जो एक रिकॉर्ड था वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का रहा था, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के नाम पर यह कीर्तिमान 15 साल 10 दिन का था, लेकिन अब इस कार्यकाल की अवधि बढ़ चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस पुराने जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह की सरकार का उस कार्यकाल की ड्यूरेशन से आगे बढ़ते हुए अब 15 साल 11 दिन तक वो पहुंच चुके हैं, और ये इसी तरीके से सिलसिला आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। तो यानी कि ये नजर आता है कि जनता का जो भरोसा है वो लगातार फिलहाल शिवराज सिंह चौहान के साथ नजर। और आप देखिए कि कॉन्फिडेंस कितना है। शिवराज सिंह चौहान जब अपने इस नए कीर्तिमान को स्थापित कर लेते हैं तो उसके बाद उनकी जो शैली है उसमें भी बड़ा बदलाव आता है, और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी अलग तरीके से देखने को मिलता है। क्या नजर आता है जरा वो भी आप देखिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना धूमधाम से प्रारंभ की जाएगी। आप पूरा सुन लो मेरे भाई, आज कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है, पूरे मूड में हूं। तो आपने शिवराज सिंह चौहान को सुना, सदन के भीतर जिस तरीके की शैली में, जिस तरीके के अंदाज में वो नजर आए, उन्होंने कहा कि आज मैं पूरे मूड में हूं, और इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए, क्योंकि ये एक भरोसा होता है सरकार में रहते हुए और एक लंबे समय तक जनता का साथ मिलने के बाद जो एक भाव नजर आता है वो इस वक्त शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में और उनकी स्थिति में नजर आता है। और ऐसे ही सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने कई स्टेटमेंट भी दिए हैं, कई उनके बयान भी सामने आते रहे हैं, और इन बयानों के साथ उनकी बातों को भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन आज भी एक ऐसा ही एक स्टेटमेंट सामने आया है। हाव भाव उनका अंदाज क्या रहा है जरा देखिए आप। प्रदेश की जनता के प्यार और आशीर्वाद से प्रदेश को आगे बढ़ाने के काम में जुटे हैं, और पूरे समर्पण से और सेवा के भाव से, क्योंकि अपनी भगवान तो अपनी जनता है, सेवा में लगे हैं। प्रभु पटेरिया हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। प्रभु पटेरिया जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि एक लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहने के बाद एक भरोसा जनता का जो बनता है मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर, जो एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो स्थापित किया है, उसके बाद ये हाव भाव जो अंदाज था, उनकी जो शैली थी, सदन के भीतर हो चाहे अलग अलग मंचों के जरिए हो, वो दिखाती है एक भरोसा। और क्या उनका जो एटीट्यूड था या जिस तरीके का उनका भाव था वो जो नजर आता है, जिसमें ताकत है, एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस है, वो झलकता भी है। बिल्कुल शुभेंदु, यदि हम शिवराज सिंह चौहान को देखते हैं तो जो अभी शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे वही उनका मूल वाक्य है। वो कहते हैं मध्य प्रदेश एक मंदिर है, मध्य प्रदेश की जनता मेरी भगवान है और उनका पुजारी मैं शिवराज सिंह चौहान हूँ। मतलब वो प्रदेश की जनता को भगवान का दर्जा देते हैं और उसी के हिसाब से वो अपनी योजनाएं बनाते हैं, अपनी रणनीति बनाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में लाना हो या राजनीतिक उद्देश्य, ये पीछे दिखाई देते हैं। शिवराज का पहला उद्देश्य दिखाई देता है जनता की सेवा, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश वो राज्य है
जहां पर कई ऐसी योजनाएं शिवराज सिंह चौहान ने दी जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और कई देश के कई राज्यों ने उन योजनाओं को अपनाया। यदि हम देखते हैं तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनने के बहुत पहले से वो गांव की जो गरीब कन्याएं हैं उनका विवाह कराते थे, खुद चंदा करके अपने जेब का पैसा लगाकर जब वो सांसद थे उनको जो सैलरी मिलती थी, वेतन मिलता था, उससे वो वहां से उनका एक काम शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने कुछ अनाथ बच्चों को गोद लिया है, ऐसा देश का शायद पहला मुख्यमंत्री होगा जिसके अपने बच्चे हैं लेकिन अनाथ बच्चों का लालन पालन उसने अपने बच्चों की तरह किया, उनके शादी ब्याह कराए, उनके तमाम सुख सुविधाओं का ध्यान रखा। इसी तरीके से यदि हम बुजुर्गों की बात करते हैं तो बुजुर्गों के लिए उन्होंने एक योजना शुरू की, तीर्थ दर्शन योजना, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की सरकारी खर्चे के साथ में एक परिवार का अटेंडेंट भी दे रहे थे वो। तो ये ऐसी बहुत सारी योजनाएं, कन्यादान योजना जो शुरू की, उसके बाद लाडी लक्ष्मी योजना शुरू की। और ये लाडी लक्ष्मी योजना इसलिए शुरू की कि प्रदेश में लिंगानुपात बहुत ज्यादा था, उसको घटाने के लिए, बेटियां सब को महत्व देने के लिए उन्होंने योजनाएं शुरू की। तो इस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जनता से जुड़ी हुई योजनाएं लाते रहे और वही उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। उनको मालूम है जनता क्या चाहती है, वो जनता से पूछते हैं, जनता की पंचायतें लगाते हैं, उसके बाद वो योजनाएं बनाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जनता के बीच में जो विश्वास अर्जित करते हैं वो भाव उनका विधानसभा में या राजनीतिक मंच पर फिर झलकता है वहां पर। जैसा विधानसभा में अभी मुख्यमंत्री ने अपना भाषण दिया चार दिन पहले, तो वहां पर उनका वो विश्वास दिखता है मुख्यमंत्री का कि मैं जो कह रहा हूँ वो करके दिखा सकता हूँ। और ये केवल कहना नहीं है, मध्य प्रदेश में पहला रिवर लिंक प्रोजेक्ट हुआ। अच्छा प्रभु पटेल जी, एक चीज मैं इसमें और जोड़ देना चाहता हूँ, इसमें एक चीज और जान लेना चाहता हूँ और लोगों को भी ये पता चलना चाहिए, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव देखा, अब योगी आदित्यनाथ की छवि बाबा बुलडोजर के तौर पर एक विकसित होती है, कमोवेश इसी तरीके से जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश के अंदर नजर आती है, और लोगों के साथ जो कनेक्ट है सीएम शिवराज का वो मामा के तौर पर है। तो ये जो जब भी चुनावों में होता है या किसी भी मंच में नजर आते हैं तो यहां पर यही कहा जाता है कि भांजे भांजियां हैं, लोग भी उनको मामा के तौर पर मानते हैं, ये जो जुड़ाव है ये अलग तरीके का मैसेज भी देता है क्या? हाँ बिल्कुल, अलग तरीके का मैसेज देता है, लोगों को अपनापन का भाव उनसे आता है। वो लोग जब दौरों पर जाते हैं तो लोगों के घर में भी रुकते हैं, बच्चों से मिलते हैं, और बच्चे जहां भी मिल जाए वहां पर मुख्यमंत्री उनसे बहुत प्यार से मिलते हैं, उनके तमाम सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में वो राह चलते रुक कर भी पूछते रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों से जुड़ाव, उनकी जो योजनाएं हैं वो बच्चों से जुड़ी हुई रही हैं, बच्चों को साइकिल देना लड़कियों को, तो स्वाभाविक तौर पर उनका जुड़ाव उनसे होता है। और यही जुड़ाव चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग हों सबको उनसे जोड़ता है, और लगभग सभी के वो मामा है, एक तरीके से तो पूरा मध्य प्रदेश के मामा शिवराज सिंह चौहान है। तो वो भाव जनता उनको नाम देती है और वही नाम उन्होंने अपना लिया है कि मैं मामा हूं, तो इससे एक रिश्ता जुड़ता है। एक सरकार और प्रजा का रिश्ता नहीं है यहाँ पर, एक परिवार के व्यक्ति का रिश्ता, मामा से अच्छा कोई रिश्ता नहीं होता है समीप का बच्चों के लिए। हाँ। तो वो रिश्ते की डोर, चलिए रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं रिश्तों को आधार बनाते हुए लोगों के साथ कनेक्ट भी किया है। मैं वापस लौटूंगा प्रभु जी आपके पास, लेकिन झाबुआ के अंदर जिस तरीके से एक कार्यक्रम आयोजित होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम, और उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचते हैं, तो वहां रंगों की जो छटा है वो किस तरीके से नजर आती है, भगोरिया वहां पर पूरी तरीके से कार्यक्रम वहां पर देखने को मिलता है, मुख्यमंत्री जब उसमें पहुंचते हैं तस्वीरें सामने आती हैं, जरा आप देखिए। आज तो आप सबको भगोरिया के साथ होली की भी राम राम, खूब उत्साह से मनाओ और शालीनता से मनाओ। आप हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, नाचे गाए और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की राम राम, भगोरिया की राम राम। पैर निकालो, अब कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में है, और मामा भी इसलिए त्योहार भगोरिया का मनाने आप सभी चाह रहे हैं। अब मामा भी आया और मामी को भी लाया, हम बहनों पानी देने के लिए 550 करोड़ रुपए हमने मंजूर किए, ताकि बहनों को हैंडपंप पर पानी बेटियों को ना भरना पड़े। खांडला में सीएम राइज स्कूल भी खोल रहे हैं, और नर्मदा मैया का पानी अलीराजपुर में आ जाए, झाबुआ जिले में भी लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। आज कोई लंबी बात नहीं करनी, आपकी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए ही है, और इसलिए खांडला आगे बढ़े, झाबुआ आगे बढ़े, आगे जनता की सारी कठिनाई और कष्ट दूर हो जाए,
इसमें कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना, और जिस तरीके से भगोरिया कार्यक्रम में जब पहुंचते हैं रंगों की छटा के बीच जब वो संबोधित करते हैं तो लोग उनके साथ जुड़ करके नजर भी आते हैं। हमारे साथ प्रभु पटेरिया हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। प्रभु जी, मैं एक तरह जल्दी से एक रिएक्शन आपसे इस पर और लेना चाहता हूं। एक सवाल जो कि लोगों के जहन में भी देखने को मिलता है कि हाल फिलहाल में ऐसे पहले भी कई बार कार्यक्रम जो होते हैं बड़े बड़े कार्यक्रम हों, चाहे किसी भी धार्मिक आयोजन में भी पहुंचते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तो साधना जो उनकी पत्नी है वो भी उस दौरान उनके साथ नजर आती है। इस बात के मायने क्या है, संकेत क्या है? देखिए, जिस तरीके से उनका मामा का रिश्ता है मुख्यमंत्री से, उसी तरीके से मामी का रिश्ता भी प्रदेश की जनता से है। हाँ। यदि आज शिवराज सिंह चौहान इतनी जन कल्याण की योजनाएं लाने, जैसा मैंने पहले बताया कि उन्हें कुछ अनाथ बच्चों को गोद लिया या खुद कन्यादान योजना वो सांसद रहते शुरू की, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं साधना सिंह का योगदान था। उनने ये योजनाओं के प्रति शिवराज सिंह को जोड़ा। तो आप अच्छा काम कब कर सकते हैं, जब आपके घर से उस कार्यक्रम काम की प्रेरणा मिले। तो साधना सिंह लगातार जनता के बीच में रहती हैं, वहाँ से वो महिलाओं से जुड़ी रहती हैं, वहाँ से जो उनको जो योजनाएं सुनाई आती हैं, जिसकी जरूरत सुनाई आती है कि इस काम की जरूरत है, वो मुख्यमंत्री को बताती हैं, मुख्यमंत्री उसको पूरा करते हैं। तो एक जो जुड़ाव का भाव है मामा मामी के प्रति, तो वो यहाँ पर झलकता है, इसलिए वो वहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ ऐसे कार्यक्रमों में साधना सिंह भी नजर आती है। और जहाँ तक शिवराज सिंह चौहान की बात है, तो शिवराज सिंह चौहान जनता की नब्ज को समझ के काम करते हैं, इसलिए वो चौथी बार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बने। और अभी तो हम बात करें उनके 15 साल के कार्यकाल की, चौथा कार्यकाल उनका 23 मार्च को पूरा होने जा रहा है। और ये कई मिथक इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने तोड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी सरकार 5 साल नहीं चलती थी, वो 5 साल से ज्यादा चली, 15 साल लगातार सरकार चलने का रिकॉर्ड बना। सिंहस्थ के बाद भाजपा की सरकार नहीं बनती, वो रिकॉर्ड भाजपा ने बनाया। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड भाजपा ने बनाया। मध्य प्रदेश की अस्मिता से प्रदेश के लोगों को जोड़ने का काम यदि कोई कर रहा है, तो मुख्यमंत्री के नाते शिवराज सिंह चौहान ने किया है, इसलिए जनता उनको पसंद करती है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी नजर आती है इन 15 सालों के अंदर, क्योंकि लगातार ये भी सवाल उठते हैं, जैसा आपने बताया भी कि बड़ा लिंगानुपात में बड़ा अंतर नजर आता था, उस अंतर को कम करने के लिए कई ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं। आप किसानों के लिए भी बहुत आमूलचूल परिवर्तन किए गए, उनकी पानी के लिए जो उपलब्धता थी उसको पूरा करने के लिए हो, ये अलग अलग चीजों को जोड़ करके देखा गया, आप ये जो चीजें हैं कितना असर डालती है? बहुत असर डालती है उसमें, तो इसीलिए तो लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने में कामयाब हुई। मिथक तोड़ने की जो बात मैं कह रहा हूँ तभी सफल हुआ है। उनने पंचायतें लगाई। आमतौर पर होता यह है कि मंत्रालय में बैठकर अधिकारी योजना बनाते हैं, उसको ग्राम स्तर पर क्रियान्वित किया जाता है। ओला गिरा, कितना नुकसान हुआ किसानों का, इसके आकलन पटवारी करके देता है, अधिकारी उसमें काट छांट करते हैं, उसके बाद मुआवजे की राशि दी जाती है उनको। लेकिन शिवराज सिंह चौहान खुद अपने आप मौके पर जाकर देखते हैं कि कितना नुकसान हुआ, उस हिसाब से वो फिर निर्देश देते हैं। तो जो नुकसान के लिए जो हल्का होता है पटवारी हल्का, जो पहले पूरा गांव हुआ करता था, वो खेत तक आकर सिमट गया है, क्योंकि ओले एक जगह गिरते हैं कहीं पर, एक पट्टी में गिरते हैं, पूरे गांव में नहीं गिरते हैं। तो आकलन के नजरिया फिर बदल गया, तो उससे किसानों को फायदा हो रहा है। इसी तरीके से किसानों की फसल की खरीदी का मामला है, तो किसानों को दिक्कत होती है तो SMS के जरिए उनको सूचना देने की व्यवस्था की गई, उनको बोनस देने की बात की गई। अभी उन मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि कांग्रेस की जो सरकार थी उस दौरान जो कर्ज माफी की घोषणा की गई थी, कुछ लोगों की कर्ज माफी भी हुई थी, उसके कारण जो लोगों ने कर्ज नहीं पटाया माफी के उम्मीद में, तो उन पर जो ब्याज का भार चढ़ गया उसको शिवराज सिंह चौहान उतारेंगे। तो ये हर वर्ग को कहीं ना कहीं उसकी तकलीफ, ठीक है, यानी कि चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो या बेटियों के उत्थान को लेकर के काम हो, ये सभी काम जो हैं वो किए गए हैं। लेकिन अगर हम इस एक सिर्फ एक कार्यकाल की बात नहीं कर रहे हैं, हम 15 सालों के काम की बात कर रहे हैं, इन 15 सालों के अंदर कौन कौन सी, क्योंकि आपने बहुत करीब से देखा है मुख्यमंत्री को, आपने उनके काम के लहजे को, उनके काम करने के तरीके को, उनके जो बड़ी कार्यक्रम है आपने आप सभी जगह पर जाकर के कवर भी किया प्रभु पटेरिया जी, तो कौन कौन से वो इन 15 सालों के अंदर कौन से वो बड़े प्रोजेक्ट रहे हैं आप जो मुख्यमंत्री के लिए बहुत कुछ करने वाले रहे, जिनकी वजह से मुख्यमंत्री की एक छवि स्थापित हुई लोगों के बीच में, कौन कौन से वो कार्यक्रम थे और कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट थे, क्या क्या कदम वो रहे? देखिए अश्विंदु, जैसे जन कल्याण की योजनाओं का तो जिक्र अभी मैंने कर ही दिया है, लेकिन यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की बाण सागर परियोजना है, जो करीब 50 साल से बन रही थी, पूरी नहीं हो रही थी, वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनने के बाद पूरी हुई है। बाणसागर परियोजना का काम, ये बहुत बड़ा काम हुआ। नर्मदा क्षिप्रा लिंक प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में बना है, ये बुंदेलखंड अंचल के लिए जो है
अब केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट यदि हम बात करते हैं वो प्रदेश में आया। ऐसे बहुत सारे काम हैं प्रदेश में, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के काम बहुत सारे किए गए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को वाकई में प्रदेश के हित में काम कराने के लिए उनको उद्योगपतियों को बुलाना और फिर उसके बाद यहाँ पर निवेश कराना। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो प्रदेश में पहले सड़कों की हालत बहुत खराब थी, आज पूरे प्रदेश में खराब सड़क शायद ही कहीं पर नजर आती है। ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं जो सरकार की जो है इच्छा शक्ति को दर्शाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे शिवराज सिंह चौहान का भी योगदान है कि उनकी इच्छा शक्ति रही तो सरकार अधिकारियों ने भी उसमें सहयोग किया। ये एक पहलू जो है शायद यही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनती रही। 15 महीने कांग्रेस सरकार जरूर रही लेकिन उसके बाद फिर असंतोष वहां पर हुआ और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो जनता इसीलिए इस सरकार को पसंद करती है क्योंकि वो जनता के हित में काम करके दिखाते हैं और शायद इसीलिए उनको मामा का तमगा भी जनता के द्वारा दिया गया है। बिल्कुल, और इसीलिए क्योंकि कई ऐसे विश्लेषक है जो ये मानते हैं कि जहां जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं बड़ा फोकस रहता है धार्मिक स्थलों पर भी। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने हाल ही में चुनाव भी देखे हैं तो वहां पर भी इस बात का बड़ा जोर रहा। राम मंदिर का चर्चाएं बड़ी जोरों शोरों से रही, काशी विश्वनाथ का जो शोर था वो भी बहुत हद तक इन चुनावों के अंदर नजर आया। मध्य प्रदेश के अंदर भी बड़े परिवर्तन के और कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं और कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो कि मध्य प्रदेश में भी हैं। आप इनमें कितना बदलाव देखने को मिला है, आपने बहुत करीब से देखा है? देखिए शिवेंदु, यदि बात करते हैं महाकाल मंदिर परिसर, उसके लिए सरकार ने करीब 700 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया और काम चल रहा है। बिल्कुल काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जा रहा है। जहां पर कि आदि शंकराचार्य ने तपस्या की थी ओंकारेश्वर में, वहां पर उनकी बड़ी प्रतिमा लगाई जा रही है। वहां के लिए 350 करोड़ का प्रावधान सरकार ने किया। वहां पर एक संग्रहालय भी बनाया जाएगा, उनके बारे में जानकारियां दी जाएंगी। अमरकंटक जहां से नर्मदा का उद्गम है वहां पर भी विकास कार्य किए गए। यदि हम सिर्फ तीर्थ या धार्मिक स्थल की बात करते हैं तो विकास कार्य वहां पर किए गए। राम वनगमन पथ की बात करें तो मध्य प्रदेश की ही देन है जिसको अब छत्तीसगढ़ ने भी अपना लिया, वहां पर भी हो रहा है। श्रीलंका में जो सीता माता का मंदिर है वो जीर्ण शील हालत में था तो उस मंदिर के निर्माण कार्य की पहल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए। तो ऐसे बहुत सारे काम, लेकिन इसको केवल धर्म से नहीं, इसको पर्यटन से जोड़ा है सरकार ने। शिवराज सिंह की दूरदर्शी सोच यदि हम कहें तो धार्मिक पर्यटन जो है उसकी संभावनाएं प्रदेश में बढ़ा दी हैं। तो एक तरीके से कहें कि धार्मिक स्थलों का जो वहां पर गंदगी थी उसको दूर करना, ओरछा में विकास कार्य करना, उनको जो है वहां पर शराब मांस मदिरा जैसे निषिद्ध क्षेत्र घोषित करना उस एरिया को, इस तरीके से वहां पर धार्मिक महत्व के साथ वहां पर्यटन की गतिविधियों का इजाफा करके राज्य सरकार के विकास के लिए पैसा एकत्रित करना, ये दोनों उद्देश्य यहां पर पूरे करने का काम इस सरकार ने किया है। बिजली, सड़क, पानी, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं बुनियादी सुविधाएं जिनको लेकर के अक्सर लोगों की मांग भी रहती है और सरकार की प्राथमिकता भी रहती है। बड़े सवाल उठते हैं विपक्षी खेमे के तौर पर, लेकिन सरकार की तरफ से उन पर काम दिखा करके ये बताने की कोशिश की जाती है कि देखिए साहब, हमने ये तो इतने सारे प्रोजेक्ट किए हैं, हमने सड़कें भी बनाई हैं, हमने पानी की सुविधाएं भी दी हैं। इस दौरान में सड़कों की जो स्थिति है, बिजली के संकट को लेकर के जो दूर किया गया, बहुत हद तक कई ऐसी जगह है जहां पर पूरा पूरा टाइम तक 24 घंटे वहां पर बिजली की आपूर्ति हो पाती है। पानी को लेकर के प्रधानमंत्री का भी मिशन है हर नल से जल आना, ये सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार भी इस पर बहुत हद तक फोकस कर रही है। तो ये क्या चीजें इसमें भी हैं? अश्वेंदु, यदि हम बात करते हैं तो 2003 में दिग्विजय सिंह की जो लगातार 10 साल की सरकार थी उसको गिराकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी केवल बिजली, सड़क और पानी के मुद्दे पर आई थी। ये कमियां थी जिस पर जनता के गुस्से को भड़काया गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम इन कमियों को दूर करेंगे। शिवराज सिंह चौहान के रहते हुए यदि हम देखते हैं तो ये तीनों चीजें अब मध्य प्रदेश में समस्या नहीं है, उनका समाधान करके दिखाया है और यही बड़ी उपलब्धि के तौर पर जनता भी देख रही है मुख्यमंत्री को। बहुत शुक्रिया प्रभु पटेरिया जी, बहुत शुक्रिया, इस पर आपने जानकारी दिया और बहुत बारीकी के साथ आपने विश्लेषण भी किया है। हमारी जनता तक ये बात पहुंचने की यहां पर हमारी जो कोशिश थी कि हम बता पाए कि असल सच्चाई उसमें क्या नजर आती है, कौन कौन से वो बड़े काम है। अब जरा आपको वो हम बयान भी दिखाते हैं सदन के भीतर मूड को लेकर के। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन के भीतर जो कहा, जो परिवर्तन और जो एक उत्साह उनके अंदर था, जिस तरीके की भाषा शैली थी, जरा एक बार फिर से आप देखिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना धूमधाम से प्रारंभ की जाएगी। आप पूरा सुन लो मेरे भाई, आज कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है, पूरे मूड में हूं। पेशकश में फिलहाल के बस इतना ही, नमस्कार।